हेलो एंड वेलकम असेंट एकेडमी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर 5 हार्ड वर्क पेज कड़ी मेहनत का मूल्य या कमाई या भुगतान के बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टर्स महादेव गोकल। इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक है महादेव और दूसरा है गोकल। सीन वन, टू ब्रदर्स आर सिटिंग एट ए स्टडी टेबल। दो भाई एक स्टडी टेबल पर बैठे थे। वन इज रीडिंग अ बुक। एक भाई पुस्तक पढ़ रहा था। एंड अदर इज ड्राइंग ए पिक्चर। और दूसरा चित्र बना रहा था। महादेव, व्हाट आर यू डूइंग गोकल। महादेव, तुम क्या कर रहे हो गोकल। गोकल, आई एम ड्राइंग ए ब्यूटीफुल पिक्चर। गोकल, मैं एक खूबसूरत चित्र बना रहा हूँ। महादेव, विल यू नॉट स्टडी। क्या तुम पढ़ाई नहीं करोगे, स्टडी नहीं करोगे। दिस इज द टाइम टू स्टडी। ये जो समय है, टाइम है, ये पढ़ाई का है, स्टडी का है। गोकल, ब्रदर, हाउ कैन यू सिट विथ ए बुक फॉर आवर्स इन वन शॉट। गोकल, भाई तुम एक ही शॉट में एक ही पुस्तक के साथ इतने घंटे कैसे बैठते हो। महादेव, डैट्स बिकॉज आई वॉन्ट टू स्ट्रेंथन माई फाउंडेशन इन एजुकेशन। महादेव, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं शिक्षा में अपनी नींव मजबूत करना चाहता हूँ। यू बेटर नो, तुम अच्छी तरह जानते हो डैट इफ द फाउंडेशन इज स्ट्रांग, अगर नींव मजबूत होगी, देन द बिल्डिंग विल स्टैंड प्रॉपरली, तो इमारत ठीक खड़ी रहेगी। गोकल, माई डियर, यू आर 7 ईयर्स ओल्ड, ओल्डर देन मी। गोकल, मेरे प्रिया, तुम मुझसे 7 साल बड़े हो। वाई आर यू राइटिंग वन वर्ड 5 टाइम्स। तुम एक ही वर्ड को 5 बार क्यों लिखते हो। महादेव, लिसन डियर, स्टडिंग द लैंग्वेज इज नॉट ए किड्स गेम। महादेव, सुनो प्रिया, भाषा को अध्ययन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू ग्रेप्स एंड लर्न द सब्जेक्ट। विषय को समझने और जानने के लिए व्यक्ति को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। कीप इन माइंड, याद रखो, टू स्पीक आर राइट हिंदी आर इंग्लिश प्रॉपरली मे से एफर्ट नीडेड। हिंदी या अंग्रेजी बोलने या लिखने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास की ज़रूरत पड़ती है। गोकुल, ओ ब्रादर, डू नॉट गिव मी ए लेक्चर। लिसन गोकुल, भैया मुझे लेक्चर मत दो। सुनो, देयर इज़ ए वेरी बिग पार्टी टूडे एट मिस्टर पांडे अंकल रेजिडेंस। आज मिस्टर पांडे के यहाँ बहुत बड़ी पार्टी है। शैल वी गो देयर, क्या हम वहाँ चलें। महादेव, नो, आई शैल नॉट गो देयर। महादेव, नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। टुमारो इज़ माई इंग्लिश टेस्ट, कल मेरी इंग्लिश की टेस्ट है। देयर फोर, इसलिए शल प्रीफर स्टडिंग, मैं स्टडी करूँगा। आई डोंट वॉन्ट टू रिपीट द सेम क्लास लाइक यू, मैं तुम्हारी तरह एक ही क्लास में नहीं बैठना चाहता। गोकुल लाफ्स हर्टली एंड सिंग। गोकुल हंसता है और गाना गाता है। पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। आ हा ही हु। महादेव स्टॉप लाफिंग। महादेव हंसना बंद करो। डोंट डिस्टर्ब मी दिस टाइम, मुझे डिस्टर्ब मत करो इस समय। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। एंड गो आउट फ्रॉम हेयर, और यहाँ से चले जाओ। गोकुल वेंट अवे फ्रॉम देयर लोवरिंग डाउन हिज हेड। गोकुल वहाँ से चला जाता है और अपना सिर नीचे कर। सीन टू, द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई है और परिणाम घोषित किए गए हैं। गोकुल, अलास आई हैव फेल्ड वंस मोर। गोकुल, अफसोस, मैं एक बार फिर फेल हो गया। माधव, ओ आई एम वेरी सैड एट योर फेल्यूर, आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई स्कूल। माधव, ओ मैं आपकी विफलता पर बहुत दुखी हूँ, मैं पास हो गया हूँ और मैंने मेरे स्कूल में टॉप किया है। गोकुल, आई थिंक आई वॉज रॉन्ग। गोकुल, मुझे लगता है कि मैं गलत था। टूडे आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी, आज मैं बहुत दोषित महसूस कर रहा हूँ। My classmates who have passed with good marks laughed at me sarcastically. मेरे क्लासमेट्स जो अच्छे अंकों के साथ पास हुए हैं, मुझ पर हंसते हैं या ताने मारते हैं। Although I was an expert in the game of गुल्ली डंडा but failed in my study. हालांकि मैं गुल्ली डंडे के खेल का एक्सपर्ट था, लेकिन अपने अध्ययन या स्टडी में असफल रहा। माधव, डोंट गेट नर्वस। माधव, घबराओ मत। रियलाइज योर मिस्टेक एंड बिगन टू स्टडी सिंसियरली अगेन।
अपनी गलती का एहसास करो और फिर से ईमानदारी से अध्ययन करना शुरू करो। इट इज श्योर डैट यू वुड पास इवन विथ गुड मार्क्स इफ यू वर्क हार्ड। यह निश्चित है यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप अच्छे अंकों से भी पास होंगे। गोकुल, आई थैंक यू वेरी मच। गोकुल, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यू हैव चेंज माई ओपिनियन, आपने मेरी राय बदल दी है। नाउ इन फ्यूचर आई शैल स्टडी रेगुलरली, अब भविष्य में मैं नियमित रूप से अध्ययन करूँगा। सीन 3, द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड वंस अगेन, परिणाम एक बार फिर घोषित किए गए। गोकुल इज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ही मीट्स माधव। गोकुल बेहद खुश है और वह माधव से मिलता है। गोकुल ब्रदर, व्हाट यू हैड सेड बिकेम ट्रू। गोकुल भाई, आपने जो कहा था वह सच हो गया। आई हैव पास्ड माय एग्जाम्स विथ फर्स्ट डिवीजन, मैंने अपनी परीक्षा फर्स्ट डिवीजन में पास कर ली है। टेक द स्वीट्स, मिठाइयां लो। माधव, माय ब्रदर यू आर वेरी गुड। माधव, मेरे भाई आप बहुत अच्छे हैं। इन फैक्ट इट इज द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क ओनली, वास्तव में यह केवल आपकी कड़ी मेहनत का परिणाम है। आई ऑल्सो रियलाइज यू टच द गोल बट इट इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। मुझे ये भी एहसास है कि आपने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है लेकिन यह सड़क का अंत नहीं है। गोकुल, डोंट वरी ब्रदर। गोकुल, चिंता मत करो भाई। आई हैव अंडरस्टूड द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस, मुझे सफलता का राज समझ आ गया है। देयर इज नो एनी अदर अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्किंग, कड़ी मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। माधव, थैंक गॉड। माधव, भगवान का शुक्र है।